टेन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मा सेम लेंथ पेंट इन टू अ सर्कल द मूवमेंट ऑफ़ एनर्जी ऑफ वायर अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल इज तो आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल आपने बनाया एक वायर से वायर की लेंथ थी एल एल लेंथ की वायर थी तो उसको सर्कल में आपने उसको सर्कल फॉर्म दे दिया तो एल बराबर टू पाई आर आ जाएगा है ना इसका पूरा लेंथ इसका सर्कम फ्रेंड्स एल के बराबर होगा और वो टू पाई आर के बराबर होगा तो आर आ जाएगा एलेक्न टू पाई ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी उसके एंड से सर्कल के एंड से पास होने वाली एक्सेस से निकालना है और वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो इन शॉर्ट हमको ए ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिंपल है सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर इस एक्सेस के अबाउट ईजिली निकाला जा सकता है यूजिंग पैरल एक्सेस थ्योरम तो आई ए ए डैश मतलब मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस एक्सेस विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस एक्सेस प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस दोनों एक्सेस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर है एम आर स्क्वायर कर देंगे तो आई सी क्या होगा क्योंकि रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्जी एम आर स्क्वायर होता है इस एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर हो गया रेडियस की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है एल बाय टू पाई स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा टू से फोर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू पाई स्क्वायर थैंक यू फॉर वॉचिंग